मुंबई में समुद्र के ऊपर देश का सबसे बड़ा ब्रिज 2018 में पीएम ने किया था शिलान्यास। दिसंबर महीने से जनता के लिए शुरू होने वाला ये ब्रिज भारतवर्ष का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने खुद ड्राइव कर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के पुल का जायजा लिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को निर्माणाधीन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने महानगर और नवी मुंबई के बीच 22 किलोमीटर लंबे MTHL का टेस्ट ड्राइव भी लिया। मुंबई में समुद्र के ऊपर देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनकर लगभग तैयार। 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा होगा। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज शहर को एक नई पहचान देने के लिए तैयार है। इस साल के दिसंबर महीने से जनता के लिए शुरू होने वाला ये ब्रिज समंदर पर बना देश का सबसे बड़ा पुल होगा, जिसकी नींव 2018 में पीएम मोदी ने खुद रखी थी। टेस्ट ड्राइव के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, परियोजना बदलाव लाने वाली होगी और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस और मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से आगे जुड़ेगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ देश का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले पुल से मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने का कयास लगाया जा रहा है और व्यापारी सहित अन्य लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। मुंबई और न्यू मुंबई की दूरी लगभग 2 से 2.5 घंटे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में मुंबई से न्यू मुंबई को जोड़ने के लिए समुद्र में एक ब्रिज का उद्घाटन किया है और वह ब्रिज सितंबर महीने से आम जनमानस के लिए चालू होगा, जिसका जायजा लेने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे। बड़ी बात क्या रही कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद गाड़ी चला करके उस ब्रिज का जायजा लिया, जबकि बगल के सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठे हुए थे। हालांकि इस निर्माण कार्य को लेकर के जिस तरीके से तेजी दिखाई गई है, अब ऐसे में सितंबर माह से ब्रिज चालू करने की बात कही गई है, जिसका जायजा लिया गया। और उस समय अगर उत्साह की बात करें तो जिस तरीके से आतिशबाजी की गई है, जिस तरीके से स्कूल के निर्माण को लेकर जो बातें कही जा रही है कि देश का सबसे बड़ा ये ब्रिज है, सबसे बड़ा ये पुल बना है समुद्र के ऊपर, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से न्यू मुंबई को जोड़ रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि यातायात जो काफी प्रभावित होता है उससे राहत मिलेगा। और बड़ी बात कि मंत्र 20 मिनट में ये जो न्यू मुंबई से मुंबई जाने का रास्ता है, ये समुद्र के रास्ते किया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।